नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मीणा समुदाय के मामले में सुनवाई करते हुए साफ साफ केंद्र सरकार से कहा कि ये समय आ गया है जबकि आप कॉमन सिविल कोड लाने पे विचार करें और कदम उठाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और किस संदर्भ में हाई कोर्ट ने कहा है, क्यों देश में इसकी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि ऐसा कानून होना चाहिए। दरअसल हुआ क्या कि भारत का जब संविधान बन रहा था उस समय आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उसमें समावेश किया गया था, जिसमें राज्य को निर्देश था, सलाह थी कि आप समय आने पे ये कदम उठाएंगे। उसी में एक आर्टिकल 44 है जिसमें कहा गया है कि आप जो है समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसी समय संविधान निर्माताओं ने क्यों नहीं ऐसा किया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बताया था कि है क्या कि अलग अलग धर्मावलंबी हैं अपने देश में, जाति है, समुदाय है, सबकी अपनी अलग अलग सोच है, लिहाजा इसको ज़बरदस्ती नहीं, जब समय आए और इस तरफ सहमति बनती हुई सी दिखे तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो इसको बनाए। अभी अपने यहाँ क्या है कि जो जाति धर्म समुदाय अलग अलग हैं और आप पाएंगे कि अलग पॉकेट में जैसे आदिवासी हैं या और धर्म के लोग हैं, उनके पर्सनल लॉज यानी कि शादी, ब्याह, तलाक, गोद लेने का तरीका, विरासत, ये सब कुछ अलग अलग है। अब होता क्या है कि एक ही मामले में जब कोर्ट सुनवाई करता है तो अब पर्सनल लॉ के हिसाब से अलग फैसला देता है, दूसरे मामले में अलग फैसला देता है, और यदि कोर्ट में न जाए तो भी अलग तरीके से होता है पर्सनल मामले में, और दूसरे सेम जबकि बैकग्राउंड सेम रहेगा और वहाँ पे अलग तरीके से हो रहा, तो एक तरह से ये विभेदकारी हो जाता है। तो अब बहुत दिनों से ये डिमांड की जा रही है कि भारतीयों के लिए, अब किसी जाति मजहब और समुदाय के लिए नहीं, भारतीयों के लिए पर्सनल लॉ की जगह पर एक कॉमन सिविल कोड हो जिससे वो सारी कॉमन चीज़ कवर हो जो कि एक आम नागरिक रूप में सबकी आवश्यकता है। तो उसी तरफ अब दिल्ली हाईकोर्ट की जज जो है प्रतिभा एम सिंह ने साफ साफ कहा है केंद्र सरकार से कि आप विचार कीजिए। आपको बता देंगे गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही है, और अभी जस्टिस बोबड़े जब वहाँ पे गए थे रिटायरमेंट से पहले तब उन्होंने इसकी काफ़ी तारीफ की थी। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने को लेकर के ऐसी ही टिप्पणी की थी, ऐसा ही निर्देश दिया था, लेकिन अपने देश में वोट बैंक की जो राजनीति है ना वो व्यवस्था नहीं बनने देती है। इसमें हम ये देखने लगते हैं कि कौन इससे खुश होगा, कौन नाराज होगा, और तत्काल बहस शुरू हो जाती है कि यदि हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप किया जाएगा तो हम इसे नहीं मानेंगे और राज्य को अधिकार नहीं है कि पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करे, यानी कि मामला दूसरा टर्न ले लेता है। चूंकि राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ना है इसलिए वो नफा नुकसान के हिसाब से देखते हैं, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक इशू ऐसा है जिसमें नफा नुकसान नहीं देखना है, जिसमें देश की भलाई देखनी है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी बोला है कल मामले में, उसमें उसने ये कहा है कि अब धीरे धीरे लोगों की रूढ़िवादी सोच बदल रही है, समाज जो है प्रोग्रेसिव हो रहा है, इंटरकास्ट मैरिजेज होने लगी है, इंटरफेथ मैरिजेज होने लगी है, तो जो लोगों की सोच बदल रही है उसके मद्देनज़र अब एक तरह से समाज में समरसता आ रही है, समान सोच बढ़ रही है, तो यही वो समय है जबकि हम कॉमन सिविल कोड की तरफ कदम उठा सकते हैं और इसे बना सकते हैं। तो बता दें कि अभी जो मौजूदा मोदी सरकार है इसके जो आप कह सकते हैं कोर इशूज हैं उसमें से जैसे कि मंदिर था, जैसे कि अनुच्छेद 370 और 35 को हटाना था जम्मू कश्मीर में, उसी में इनका यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। तो अब इस तरफ मोदी सरकार यदि ध्यान दे तो बनाने की दिशा में कदम उठा सकती है, और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये इसका विरोध नहीं करती हैं सीधे सीधे, वो ये कहती है कि पहले इस पर बहस कराइए और फिर इस दिशा में आगे बढ़िए। बहस कराइए मतलब लोगों में इस पर एक सोच बनाइए, तो इस पर काम किया जा सकता है। और वाकई में सही कहा हाईकोर्ट ने कि ये समय आ गया है कि इस दिशा में कदम उठाए केंद्र सरकार। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।